देखना। एक और सवाल अकलमंदों के लिए, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक वबा चली हुई है, दरबारों पे खुदकश हमले हो रहे हैं। दरबारों पे खुदकश हमला करने वालों का ये अमल ना सवाब है ना जिहाद है, ना सवाब है ना जिहाद है, ना उनके इस अमल का इस्लाम से दूर का रिश्ता है। और हम तो ये कहते हैं कि ये काम करने वाले मुसलमान हो सकते, ये गैरों के एजेंट हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस्लाम ने यह तालीम नहीं दी। वहां पर आम्मतुन्नास आई हुई है, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको उन पे बम बरसाना, वहां खुदकश हमले करना, उनको कत्ल करना, ये कौन सा इस्लाम है? अरे जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं थी, क्या बैतुल्लाह में नबी इबादत नहीं करते थे? क्या वहां पर बुत मौजूद नहीं थे? जब तक ताकत नहीं, हाथ रोक के रखा, और जब ताकत आई फिर उन बुतों को खत्म किया, उन बुतों को तोड़ा। दरबार पे आने वाले, कब्रों पे सजदा करने वाले, उनको मुश्किल कुशा कहने वाले जरूर शिर्क कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो शिर्क कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा इस्लाम है कि आप उनको, आपके जिम्मे हाथ से रोकना नहीं, जुबान से दावत देना है। हाथ से रोकने का काम उसके हाथ में होता है जिसको अल्लाह हुकूमत दिया करता है। आपको तो नेकी की दावत देने का हुक्म है, बुराई से रोकने का हुक्म है, लेकिन वहां मासूम बच्चों पर बम हमले, खुद के हमले, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम की सफेद चादर पे गंदा। लेकिन समझाने के लिए अर्ज करता हूं, जब ये खुदकश हमला करने के लिए वहां पर आता है, बाबा जी इस आने वाले को पहले ही क्यों नहीं रोक लेते? इसके खुदकश जैकेट को फटने से पहले नकारा क्यों नहीं कर लेते? आपके यहां तो करामात मशहूर है, ये बाबा जी का दरख्त है, बाबा मसवाक तोड़ने नहीं देता, बाबा दरख्त हिलाने नहीं देता, बाबा कोई चादर उठाना चाहे तो अंधा कर देता है। इन दहशतगर्दों को बाबा क्यों नहीं रोक रहा? इनके साथ मिले हुए तो नहीं है बाबा जी? और अगर नहीं मिले हुए और उनके इख्तियार में सब कुछ है, अकल से सोचिए। पुलिस को पता है कि ये खुदकश हमला करने वाले आ रहे और पुलिस उनको ना रोके, पुलिस को पता है, पुलिस ना रोके और खुदकश हमला आवर हमला कर दे, बंदे मार दे, फिर ये बात लीक आउट हो जाए कि पुलिस को पहले से पता था, तो क्या ख्याल है गवर्नमेंट उस पुलिस वाले को गिरफ्तार नहीं करेगी कि कुत्ती चोरा नाल मिली, कि तूने क्यों नहीं रोका, तुझे पता था? हम कहते हैं जब आपके ये अकीदे हैं कि ये पीर, ये बाबे, ये शेख, ये मुर्शिद, ये इमाम, ये हजरत, ये कब्र में दफन होने वाले सब कुछ जानते हैं, मुरीदों का सारी बातों का इलम है, अपने दरबार की रखवाली करते हैं, डूबी हुई किश्तियों को पार लगाते हैं, तो अल्लाह के लिए सवाल करते हैं इन दहशत गर्दों को, ये पीर, ये बाबा, ये शेख, ये मुर्शिद क्यों नहीं रोक रहे? इसलिए नहीं रोक रहे कि वो मर के अगले जहां में जा चुके हैं, उनको इस जहां की किसी बात की खबर नहीं है।